हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 7 का प्रैक्टिस सेट 12 देख रहे हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द HCF और GCD। HCF और GCD का मतलब एक ही है, सिर्फ वर्डिंग डिफरेंट है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। डिवाइजर ही फैक्टर रहता है, हाईएस्ट का मतलब ही ग्रेटेस्ट रहता है। ओके, दोनों का मतलब सेम ही है। अभी देखो, यहाँ पे 25 और 40 का हमें फैक्टर निकालने हैं। उनके कौन से फैक्टर निकालने हैं? प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो इन दिए गए नंबर्स को हम प्राइम नंबर से ही वन बाय वन डिवाइड करते जाएंगे। कौन से नंबर से डिवाइड होता है उससे डिवाइड करेंगे। तो देखो, यहाँ पे पहले 25 लेती हूँ और यहाँ पे 40 के फैक्टर यहाँ पे आएंगे, 25 के फैक्टर इस साइड में आएंगे। ओके, बट 25 के यूनिट प्लेस 5 है, 5 यूनिट प्लेस वाले नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं और 5 प्राइम नंबर भी है। ओके, तो यहाँ पे हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 यूनिट प्लेस है, फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 बन जा 5। तो 5 मल्टीप्लाई 5 ये आ गए 25 के फैक्टर। तो इसको मैं यहाँ पे राइट कर लेती हूँ, 25 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अभी 40 के फैक्टर, यूनिट प्लेस 0 है, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 8 40। ओके, 8 है। अभी 0 2 4 6 8 यूनिट प्लेस वाले नंबर 0 2 4 6 एंड 8, इन यूनिट प्लेस वाले नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। यूनिट प्लेस 8 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 8। 4 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 4। 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2। तो 40 के फैक्टर कितने आ गए? 40 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5। 5 और 3 2 है, उनको राइट कर लिया। अभी देखो, दोनों में कॉमन कौन सा है? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, इसका मतलब 5 एक कॉमन है। यहाँ पे 5 है, अदर इसके साथ पेयर करने के लिए दूसरा 5 नहीं है, इसका मतलब एक ही 5 कॉमन है दोनों में। ओके, और देखो, सभी में 1 ये कॉमन रहता ही है। दोनों का पहला कॉमन फैक्टर 1 है, उसके बाद दूसरा कॉमन फैक्टर 5 है, उसको लिखेंगे और दोनों के मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। पहला कॉमन 1, दूसरा कॉमन 5, इनकी मल्टीप्लिकेशन यही कॉमन है, तो उनको मल्टीप्लिकेशन में लिया और इसका आंसर आ रहा है 5। इसका मतलब इन दोनों में कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 5 यही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देयरफॉर HCF ऑफ 25 40 इज 5। ओके, कितना इजी है देखो। अभी सेकेंड नंबर, यहाँ पे 56 एंड 32, ये दोनों नंबर दिए गए हैं, इनको भी हमें प्राइम फैक्टर में डिवाइड करना है। तो इनको प्राइम नंबर से डिवाइड करना होगा। पहले 2 से डिवाइड होता है नहीं चेक करेंगे, अगर 2 से नहीं होता तो 3 से करेंगे, 3 से नहीं होता तो 5 से करेंगे, ऐसे 1 बाय 1 डिवाइड करते जाएंगे। अभी देखो, 56 की यूनिट प्लेस 6 है, ये 2 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया है कि 0 2 4 6 8 यूनिट प्लेस वाले नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, 0 और 5 यूनिट प्लेस वाले नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं। यूनिट प्लेस 6 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 4। 5 में से 4 सब्सट हो गए, 1 रह गया, 1 एंड 6 16, 2 8 16। अभी 28 है, यूनिट प्लेस 8 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, 2 4 8। 14 है, यूनिट प्लेस 4 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 14। 7 है, 7 ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है, 7 1 7। तो ये सभी आ गए 56 के फैक्टर। अभी 32 के निकाल लेते हैं, यूनिट प्लेस 2 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2। 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया, 1 एंड 2 12 हो गए, 2 6 12, 16 आ गए। यूनिट प्लेस 6 है, 6 यूनिट प्लेस वाले नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 8 16। अभी 8 है, उसको ये भी यूनिट प्लेस 8 वाले नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 4 8। बिफोर, ये 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 2 4। 2, ये 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 1 2। तो ये सभी आ गए 32 के फैक्टर। अभी हम यहाँ पे दोनों के भी फैक्टर राइट कर लेते हैं। 56 इक्वल टू 2 3 टाइम है, 1 टाइम 7 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7।
और यहाँ पे 32 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 5 टाइम्स है। ओके अभी देखो दोनों में क्या क्या कॉमन है उसको हम सर्कल करके लेंगे। यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन है, दूसरा भी 2 दोनों में कॉमन है, तीसरा भी 2 दोनों में कॉमन है, उसके बाद 7 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, मीन्स कॉमन नहीं है। अभी जो कॉमन है उनको 1-1 टाइम यहाँ पे राइट कर लेंगे। देखो पहला कॉमन 1 तो रहता ही है, उसके बाद में एक 2 कॉमन है उसको राइट कर लिया, ये दूसरा 2 कॉमन है उसको भी राइट कर लिया, तीसरा भी 2 कॉमन है उसको भी राइट कर लिया। अभी इनकी मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा हमारा HCF, जो कॉमन है उनको राइट कर लिया मल्टीप्लीकेशन में, और अभी इनकी मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। देखो 1, 2 जा 2, यहाँ तक आंसर 2 आ गया। अभी इस 2 की और इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे। ओके अभी 2 2 जर आता है 4, अभी इनकी और इस 2 की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 4 2 जर आता है 8, तो यहाँ पे HCF कितना आ गया, 8 ही HCF आ गया। पहले इन दोनों की आंसर 2 आ गया, इस 2 को और इस 2 को हमने नीचे ले लिया, बाद में इन दोनों 2 की मल्टीप्लिकेशन की आंसर 4 आ रहा है, इसके बाद में इस 4 के साथ ये 2 ले लिया, 4 2 जर 8 आता है, मीन्स HCF कितना आ गया 8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर फोर HCF ऑफ 56 32 इज 8। ओके 0 यूनिट प्लेस वाले नंबर 5 से डिवाइड होते ही हमें पता है, क्योंकि हमने देखा है डिविजिबिलिटी टेस्ट में जिन नंबर की यूनिट प्लेस 0 और 5 रहती है वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं, और जिन नंबर की यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 रहती है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ओके दोनों भी क्या है, प्राइम नंबर है, और इनकी यूनिट प्लेस 5 और 0 भी है, तीनों भी पहले 5 से डिवाइड हो जाएंगे। ये नंबर जो है 0 यूनिट प्लेस वाले 2 से भी डिवाइड होते हैं, फिर 5 ये भी प्राइम नंबर ही है, इससे भी हम डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। ओके 5 8 जार 40। ओके अभी यहाँ पे 8 आ गया है, यूनिट प्लेस 8 है, करेक्ट, तो 8 यूनिट प्लेस वाले नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 4 जार 8, करेक्ट। अभी 4 यूनिट प्लेस वाले नंबर भी 2 से डिवाइड होते हैं, इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 जार 4, 2 यूनिट प्लेस वाले नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जार 2। तो ये सभी आ गए 40 के फैक्टर, तो यहाँ पे 40 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अभी हम 60 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, तो इनको प्राइम नंबर से डिवाइड करना होगा, आपको भी पता है। तो देखो मैंने अभी प्राइम नंबर राइट कर लिए हैं, तो 60 की यूनिट प्लेस 0 है, इसको 5 से एंड 2 से दोनों नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। आप 2 से भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आगे आंसर सेम ही आने वाला है। ओके देखो 5 1 जार 5, 6 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गए, 1 1 0 10 हो गए, 5 2 जार 10, ओके 12 आ गए यहाँ पे। अभी यूनिट प्लेस 2 है, 2 यूनिट प्लस वाले नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो इसको ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 6 जार 12। अभी 6 यूनिट प्लस वाले नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जार 6। ये 3 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर उन्हीं नंबर से डिवाइड होते हैं, उनके सेम नंबर से डिवाइड होते हैं, तो 3 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जार 3। तो ये सभी आ गए 60 के फैक्टर आ गए। देखो पहला 5 है, दूसरा है 2, तीसरा भी है 2 और चौथा है 3, उसके बाद में आएंगे 75 के फैक्टर। ओके 75 का यूनिट प्लेस 5 है, ये भी 5 से डिवाइड हो जाता है, इसको हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 जार 5, 7 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गए, 2 रह गए, 2 n 5 25, 5 5 जार 25। इसके भी यूनिट प्लेस 5 है, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 3 जार 15, यूनिट प्लेस मीन्स 3 नंबर है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जार 3, इसको 3 प्राइम नंबर से डिवाइड कर लिया, 3 1 जार 3। ओके तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी तीनों में कॉमन है ऐसा हमें देखना है, तो 5 देखो तीनों में कॉमन है, ओके 2 तीनों में कॉमन नहीं है, इन दोनों में है पर इसमें 2 नहीं है। अभी उसके बाद में 3
थ्री इसमें इन दोनों में है, इनमें इसमें थ्री नहीं है। इसका मतलब तीनों में कॉमन ऐसा फैक्टर कौन सा है, फाइव ही है। तो एसी अब क्या मिल गया इन तीनों का, फाइव। देयरफॉर एच सी एफ ऑफ 40, 60 and 75 इज फाइव। ओके, फाइव एस एफ आ गया इन तीनों का। हमें 16 and 27 ये दो नंबर दिए गए हैं, इनके हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो प्राइम नंबर जो है उनसे ही डिवाइड करना होगा। तो हम वन बाय वन चेक करते जाएंगे कौन से नंबर से इसको डिवाइड हो रहा है। तो देखो, सिक्स यूनिट प्लेस वाले नंबर टू से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये टू से डिवाइड हो जाएगा, इसको हम टू से डिवाइड कर लेते हैं। 2 8 16। ओके, भी 8 यूनिट प्लेस वाले नंबर भी 2 से डिवाइड होते हैं, तो ये 8 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड होगा 2 4 8। 4 यूनिट प्लेस वाले नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 यूनिट प्लेस है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 4। 2 यूनिट प्लेस वाले नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2। तो ये सभी आ गए 16 के फैक्टर। 16 इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2। ओके, अभी उसके बाद में निकालेंगे 27 के फैक्टर। वो देखो, अभी यूनिट प्लेस 7 है, 0 2 4 6 8 में से यूनिट प्लेस नहीं है, तो ये 27 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर यूनिट प्लेस 0 और 5 रहती है तो 5 से डिवाइड हो जाते, पर यूनिट प्लेस 5 और 0 नहीं है, तो ये भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद में हम 3 से चेक कर लेते हैं। तो 3 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिन नंबर के डिजिट के सम सम ऑफ डिजिट इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है। इस नंबर के डिजिट की सम, इसमें 2 एंड 7 डिजिट है, 2 प्लस 7 कितने हो रहे हैं, 9। तो 9 ये 3 से डिवाइड हो रहा है ना, इसलिए ये 27 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 9 27। तो देखो, 9 ये 3 से डिवाइड हो जाता है, इसको हम फिर से 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 9। ओके, 3 ये 3 से डिवाइड होता है क्योंकि ये प्राइम नंबर ही है, तो 3 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 3। तो ये सभी आ गए 27 के फैक्टर, 3 × 3 × 3। तो दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है कि देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, इनमें सभी जगह 2 है, यहाँ पे सभी जगह 3 ही है, कॉमन एक ही फैक्टर नहीं है। जब कॉमन नहीं रहता तब क्या रहता है, 1 सबका कॉमन फैक्टर रहता है, और वही एचसीएफ हमें लेना होता है। जब कॉमन अदर 1 को छोड़कर अदर नहीं है ना, ऐसे टाइम हम क्या करते हैं, एचसीएफ 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 16, 27 इज 1। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 है, इसमें 18, 32 and 48 ए नंबर दिए हैं। इन सभी के हम अलग अलग फैक्टर निकालेंगे, बाद में कॉमन जो है उसको लिखेंगे, और वही आएगा हमारा एचसीएफ। अभी इनको हमें फैक्टर निकालने हैं, पर प्राइम फैक्टर ही निकालने हैं, इसलिए हम इनको कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होता है उनको वन बाय वन डिवाइड करके फैक्टर निकाल लेते हैं। अभी देखो, 18 की यूनिट प्लेस 8 है, 0 2 4 6 8 यूनिट प्लेस वाले नंबर 2 से डिवाइड होते हैं हमें पता है। ओके, तो यहाँ पे हम 0 2 4 6 8 ऐसा लिख लेते हैं, और यहाँ पे सम ऑफ डिजिट इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3 जब है, 3 से चेक करने के लिए वो नंबर की डिजिट की सम अगर 3 की मल्टीपल है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। और 5 से हम कैसे चेक करते हैं, 0 और 5 यूनिट प्लेस अगर है उनकी तो नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं। ओके, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक डिवाइड नहीं होगा, तब हम आगे चेक करते जाएंगे कि 7, 11, 13 और 17 से डिवाइड होता है या नहीं। ओके, अभी यूनिट प्लेस 8 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 9 18। ओके, अभी 9 ये 3 से डिवाइड हो रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 9। 3 ये प्राइम नंबर ही है, इसको 3 से डिवाइड करना होगा, 3 1 3। जब प्राइम नंबर आता है उसको उसी नंबर से डिवाइड करना होता है, 3 प्राइम नंबर है, 3 को 3 से डिवाइड हो जाता है। अभी उसके बाद देखो, तो इसके 18 के फैक्टर आ गए, 18 इक्वल टू 2 × 3 × 3। अभी 32 के फैक्टर, यूनिट प्लेस 2 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया, 1 एंड 2 12 हो गए, 2 6 12।
16 आ गए। अभी 16 यूनिट प्लस 6 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 6 यूनिट प्लस वाले नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ओके, अभी 16 है यूनिट प्लस 6 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 लिखा यहाँ पे, 2 8 16। अभी 8 है, 8 यूनिट प्लस वाले नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाते हैं। देखो 8 यूनिट प्लेस वाले नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 8 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 राइट कर ले यहाँ पे, 2 4 8। 4 यूनिट प्लेस वाले नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 4 है 2 से डिवाइड होगा, 2 लिखा यहाँ पे, 2 2 4। 2 यूनिट प्लेस वाले नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 आ गया है, इसको 2 से डिवाइड करना होगा, 2 1 2। तो ये सभी आ गए 32 के फैक्टर। तो 32 इक्वल टू 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 राइट कर लिया। इसके बाद आएंगे 48 के फैक्टर। 48 में यूनिट प्लस 8 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 4 4, 2 4 8। ओके, अभी 4 यूनिट प्लस है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4। 2 यूनिट प्लेस है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 6 12। 6 यूनिट प्लेस है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6। अभी 3 ये प्राइम नंबर है, 3 को 3 से डिवाइड करना होगा, 3 1 3। तो यहाँ पे 2 4 टाइम्स है और 1 टाइम्स 3 है, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अभी तीनों में कौन सा कॉमन दिख रहा है, देखो 2 2, यहाँ पे 2, तीनों में 2 कॉमन है तो 2 को सर्कल कर लिया। अभी दूसरा 2 कॉमन है क्या, नहीं, इन दोनों में है पर तीनों में 2 नहीं है, 2 यही क्या है, कॉमन फैक्टर है, उसको हम लिखेंगे। 4 HCF ऑफ 18 32 48 इज 2। ओके, अभी 6 नंबर एग्जांपल है, इसमें 105 154 ये दोनों नंबर दिए गए हैं, इनके हम भी फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। इन्हीं नंबर से इनको डिवाइड होता है, नहीं वन बाय वन चेक करते जाएंगे आगे आगे, ऐसे जिन नंबर से डिवाइड होता है उनसे करेंगे। ओके, और बाद में फैक्टर मिलने के बाद हम क्या कर लेते हैं, कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, बराबर ना। तो अभी 105 ये नंबर है, यूनिट प्लस 5 है, तो यूनिट प्लस 5 एंड 0 वाले नंबर 5 से डिवाइड होते हैं, तो ये नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसको हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 2 10। और यहाँ पे 5 है, 5 1 5, 21 आ गया, करेक्ट। अभी 21 में देखो यूनिट प्लस 1 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 0 2 4 6 8 यूनिट प्लस वाले नंबर ही 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अभी हम 5 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि 5 एंड 0 यूनिट प्लेस नहीं है। उसके बाद 3 से चेक कर लेते हैं, सम ऑफ डिजिट इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए, डिजिट की सम 2 + 1 3 आ रहे हैं, 3 ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ये 21 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, और वैसे भी 21 3 के टेबल में आता ही है, ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 7 21। ओके, अभी 7 ये प्राइम नंबर है, देखो ये सभी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 7 को 7 से डिवाइड करना होगा क्योंकि प्राइम नंबर जो रहते हैं वो किसी अदर के टेबल में नहीं आते, उनको उन्हीं नंबर से डिवाइड करना होता है, तो 7 1 7। तो ये 105 के फैक्टर आ गए, 105 इक्वल टू 5 × 3 × 7। अभी 154 के फैक्टर निकाल लेते हैं, यूनिट प्लेस 4 है, 4 यूनिट प्लेस वाले नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 7 14। 15 में से 14 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गए, 1 एंड 4 14 हो गए, 2 7 14। अभी देखो यहाँ पे 77 है, यूनिट प्लेस 2 4 6 8 में से नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होता है, नहीं चेक कर लेते हैं, यूनिट प्लेस 5 और 0 नहीं है तो 5 से डिवाइड भी नहीं होगा, तो 3 से चेक कर लेते हैं, सम ऑफ डिजिट इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3, 7 + 7 14 होते हैं, 14 ये 3 से डिवाइड होता है कि देखो 3 1 3 3 5 15 आता है, 14 नहीं आता, तो 14 डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद में 7 से चेक कर लेते हैं, 7 1 7 7 1 7। ओके, 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 1 7 7 7 1 7। ओके, तो 11 आ गया यहाँ पे। अभी 11 ये भी प्राइम नंबर ही है, तो इस प्राइम नंबर को 11 से डिवाइड करना होगा, 11 1 11। तो 2 × 7 × 11 ये आ गए 154 के फैक्टर। ओके,
टू मल्टीप्लाई बाई सेवन मल्टीप्लाई बाई इलेवन। अभी इन दोनों में कॉमन क्या है देखो, फाइव है क्या कॉमन? नहीं, थ्री नहीं, सेवन यही क्या है, इन दोनों का एचसीएफ है। एग्जाम्पल नंबर सेवन है, 42, 45 एंड 48 ये तीनों नंबर दिए गए हैं। देखो हम इनके फैक्टर निकालेंगे, अलग अलग फैक्टर निकालेंगे, बाद में कॉमन जो फैक्टर रहेंगे ना उनकी मल्टीप्लिकेशन आएगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अभी 42 के प्लस 2 है, ये 2 से डिवाइड हो जाता है, हमें पता है करेक्ट, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 4, 2 1 2, 21 आ गया। अभी यूनिट प्लेस 2 4 6, 8 में से नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, तो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं चेक कर लेते हैं। डिजिट की सम 2 प्लस 1, 3 आ रहे हैं, तो 3 3 का मल्टीपल है, तो ये 21 3 से डिवाइड हो जाएगा, और वैसे भी ये 21 3 के डिवाइड में आता ही है, 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 7 21। अभी 7 ये क्या है, प्राइम नंबर है, देखो प्राइम नंबर में 7 भी है, तो 7 को 7 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि प्राइम नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करना होता है, तो 7 1 7। तो ये सभी आ गए 42 के फैक्टर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 42 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अभी 45 के फैक्टर, यूनिट प्लेस 5 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 9 45। अभी 9 है, ये 3 से डिवाइड होता है, 2 से नहीं होता, डायरेक्ट 3 से डिवाइड होता है, तो 3 3 9। ओके, 3 ये 3 से डिवाइड होता है, 3 1 3। तो ये सभी आ गए 45 के फैक्टर, 45 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, अभी 48 के फैक्टर निकाल लेते हैं, यूनिट प्लेस 8 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 4 2 4 8। ओके, 24 आ गया, यूनिट प्लेस 4 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4। अभी 12 है, यूनिट प्लेस 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 12, 6 है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, 2 3 6, 3 ये 3 से डिवाइड होता है, 3 1 3। तो ये सभी आ गए 48 के फैक्टर, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखो 1 2 3, 4 टाइम्स 2 है, 1 2 3, यहाँ पे 3 राइट हो गया था, एक 2 को बाद में लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 भी है, 3 को भी राइट कर लिया। ओके, 4 टाइम्स 1 2 3, 4 टाइम्स 2 है और 1 टाइम्स 3 है, उसको राइट कर लिया। अभी तीनों में कॉमन को एक क्या है देखो, 2 है क्या सभी जगह, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है पर इसमें 2 नहीं है ना, तो 3 को देखा भी, इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन मिल गया, करेक्ट। उसके बाद में 7 यहाँ पे है, यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे भी 7 नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसमें सिर्फ 3 यही क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम सभी कॉमन फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 3 ये कॉमन फैक्टर है, करेक्ट। उसके बाद 1 ये कॉमन फैक्टर रहता ही है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 1 3 आता है, तो 3 ये क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 42 45 48 is 3। एग्जाम्पल नंबर 8 है, इसमें देखो 57 75 102 ये नंबर दिए हैं, तो इन सभी के हम फैक्टर निकालेंगे। 57 का फैक्टर निकालने के लिए देखो कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होता है क्या चेक करेंगे, और उसके वन बाय वन, उसको वन बाय वन डिवाइड करते जाएंगे। प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि प्राइम फैक्टर निकालने हैं हमें, और उन फैक्टर में कौन सा कॉमन आता है वही हमें फैक्टर में लेना होता है। ओके, तो 57 यूनिट प्लस 7 है, इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड भी नहीं होगा क्योंकि 0 और 5 यूनिट प्लस नहीं है। अभी हम 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जी नंबर के डिजिट की सम 3 की मल्टीपल है वो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, तो इनके डिजिट की सम 5 प्लस 7 12 आ रहे हैं, तो ये 12 ये 3 का मल्टीपल है, इनके डिजिट की सम 12 के मल्टीपल है, इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 3, 5 में से 3 सबसेट हो गए, 2 रह गए, 2 7 27, 3 9 27, ओके 19 आ गया। अभी 19 ये प्राइम नंबर है, इसलिए 19 को 19 से ही डिवाइड करना होगा। ओके, 19 1 19, तो 57 के फैक्टर कितने आ गए, 2, 19 एंड 3, तो यहाँ पे 57 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 19। ओके,
अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 75 यूनिट प्लस 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 5, 7 में से 5 सब्सट्रैक्ट 2 रहेगा, 2 and 5 25, 5 5 25। 15 है यूनिट प्लस 5 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 3 15। ओके 3 है, ये प्राइम नंबर है 3, 3 को 3 से डिवाइड करना होगा, 3 1 3। तो ये 75 के फैक्टर कितने आ गए, 5 × 5 × 3। अभी 102 के फैक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट प्लस 2 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 10 और यहाँ पे 2 1 2। ओके 51 आ गया। अभी यूनिट प्लस 1 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। यूनिट प्लस 5 0 नहीं है तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम 3 से डिवाइड होता है ना चेक करेंगे। 5 + 1 6 हो रहे हैं, 6 3 का मल्टीपल नंबर है तो ये 51 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 3। 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो गए, 2 रह गए, 2 and 1 21 हो गए, 3 7 21। ओके अभी ये 17 है, 17 प्राइम नंबर है देखो, तो 17 से डिवाइड होगा, 17 1 17। तो 2 × 3 × 17 ये आ गए 102 के फैक्टर। ओके 2 × 3 × 17। ओके अभी तीनों में कॉमन देखो, 3 ही है, उसके बाद में 5 नहीं है तीनों जगह, 2 भी नहीं, 19 भी नहीं है, 17 भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, 3 तीनों में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, 3। पहला सबसे सभी का कॉमन 1 तो रहता ही है, 1 कॉमन है तीनों में, उसके बाद 3 भी कॉमन है, 3 × 1 3 आ गए, तो एचसीएफ कितना आ गया, 3। जितने कॉमन है उनकी मल्टीप्लिकेशन करके जो नंबर मिलता है वो रहता है एचसीएफ। 1 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो 1 × 3 करेंगे, 3 आ रहा है, एचसीएफ कितना आ गया, 3। देयरफोर एचसीएफ ऑफ 57 75 102 इज 3। एग्जाम्पल नंबर 9 है देखो, इसमें 56 and 57 ये नंबर दिए गए हैं, 56 and 57। अभी इन दोनों को भी हमें प्राइम नंबर से डिवाइड करना है तभी हमें प्राइम फैक्टर मिलेंगे। तो 56 को कौन से पहले छोटे सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड होता है उससे डिवाइड करते जाएंगे, वन बाय वन फैक्टर जो मिलेंगे उसमें कॉमन देखेंगे, करेक्ट। अभी 6 यूनिट प्लस वाला नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, करेक्ट, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 4। 5 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया, 2 8 16 28 आ गया। यूनिट प्लस 8 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 4 8। यूनिट प्लस 4 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 7 14। अभी 7 ये 7 से ही डिवाइड होता है क्योंकि 7 क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को उनसे ही नंबर से डिवाइड करना होता है, तो 7 1 7। तो ये आ गए 56 के फैक्टर, 56 इक्वल टू 2 × 2 × 7 और एक 2 रह गया, 2 × 2 × 2 और एक 7 भी है उसको भी राइट कर लिया, 3 2 और 1 7, करेक्ट। अभी 57 का फैक्टर निकाल लेते हैं, यूनिट प्लस 7 है, ये 2 से और 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसको हम 3 से चेक कर लेते हैं, इनके डिजिट की सम 12 आ रही है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है। ओके तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 3। 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो गए, 2 रह गए, 2 and 7 27, 3 9 27। अभी 19 ये प्राइम नंबर है, इसको 19 से डिवाइड करना होगा, देखो यहाँ पे 19 प्राइम नंबर में लिखा है मैंने लास्ट में, 19 1 19। तो 57 के फैक्टर क्या मिल गए, 3 × 19 57 3 × 19। अभी दोनों में कॉमन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 19 नहीं है, इसका मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। जब कॉमन नहीं रहता तब क्या रहता है, ऑलवेज 1 कॉमन रहता है, तो 1 क्या है इन दोनों का एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 56 57 इज 1। और वैसे भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर जब रहते हैं ना उनका एचसीएफ ऑलवेज 1 रहता है। कॉन्सिक्यूटिव मीन्स लगातार आने वाले, 56 57 57 58 21 22, ऐसे जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो रहते हैं ना उनका एचसीएफ ऑलवेज 1 रहता है, ये हमें याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके
एग्जाम्पल नंबर 10 है, इसमें देखो 777, 315, 588 बड़े नंबर है, इसका मतलब डर नहीं जाना है। बड़ा जो दिखता है वो बहुत ही ईजी रहता है, सिर्फ हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ओके, पहला नंबर जो है 777, दूसरा है 315, तीसरा है 588। ओके, अभी इन तीनों नंबर के हम वन बाय वन फैक्टर निकालेंगे। पहले प्राइम फैक्टर निकाल, प्राइम नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे, नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। कम से कम इतने नंबर तो आपको पता होने ही चाहिए। ओके, तो हमने उनको राइट कर लिया। अभी 2 से डिवाइड होता है नहीं, चेक करेंगे, यूनिट प्लस 7 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड भी नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लस 7 है। ओके, 0 और 5 यूनिट प्लस वाले नंबर भी 5 से डिवाइड होते हैं। अभी देखो 3 से डिवाइड होता है नहीं, हम चेक करेंगे, डिजिट की सम करेंगे, 7 + 7 = 14, 14 + 7 = 21। तो 21 ये 3 का मल्टीपल है ना, 3 के टेबल में ये 21 आता है, इसका मतलब इस 777 को 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 2 = 6, 7 में से 6 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, 1 × 7 = 17, 3 × 5 = 15। ओके, 17 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गए, 2 रह गए, 2 × 7 = 27, 3 × 9 = 27। तो 259 ये नंबर आ गया। 259 इस नंबर को 2 से डिवाइड नहीं होता, 5 से डिवाइड नहीं होता, तो इसको हम 3 से डिवाइड होता है नहीं, चेक कर लेते हैं, इनके डिजिट की सम कर लेते हैं। 2 + 5 + 9, 9 + 2 = 11, 11 + 5 = 16 हो गए। तो 16 ये 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब इसको 3 से डिवाइड नहीं होगा। अभी हम इसको 5 से नहीं होता तो डायरेक्ट 7 से डिवाइड होता है नहीं, चेक कर लेते हैं। 7 से डिवाइड होता है नहीं, चेक करने के लिए इसका जो लास्ट डिजिट है, यूनिट प्लेस वाला डिजिट है, उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 9 × 2 = 18। ओके, 18 आ गया। अब इस 25 में से इस 18 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 25 में से 18 सब्सट्रैक्ट हो गए। देखो सब्सट्रैक्ट नहीं होता तो 15 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ पे 7 रह गए, और 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट 0, तो 7 आ गया। यहाँ पे 7 और 0 जब आता है, मीन 7 का मल्टीपल और 0 नंबर जब आता है, तब ये दिया गया नंबर जो रहता है ना, वो 7 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये 7 से डिवाइड हो रहा है, इसको हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं। ओके, अभी देखो 25 में से 21 सब्सट्रैक्ट हो गए, 4 रह गए, 4 × 9 = 49, 7 × 7 = 49, 37 आ गया। और 37 ये देखो ये प्राइम नंबर है, तो इसको हमें इसी नंबर से डिवाइड करना होगा। करेक्ट, 37 × 1 = 37, तो ये आ गए 777 के फैक्टर। तो 777 इक्वल टू 3 × 7 × 37। ओके, अभी 315 को जो आएंगे उनको यहाँ पे लिखेंगे हम। अभी देखो यूनिट प्लेस 5 है, ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसको हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 × 6 = 13, 31 में से 30 हो गए, 1 रह गया, 1 × 5 = 15, 5 × 3 = 15। वही 6 और 3, 3 यूनिट प्लेस है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 और 0 नहीं है तो 5 से भी नहीं होगा। 6 + 3 = 9 होता है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसको हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3। 21 भी 3 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये 3 के टेबल में आ रहा है, 3 × 7 = 21। अभी 7 ये प्राइम नंबर है, 7 को 7 से डिवाइड करना होगा, 7 × 7 = 7। तो ये सभी आ गए 315 के फैक्टर। 5 × 3 × 3 × 7। तो देखो अभी 588 के फैक्टर निकाले थे, यूनिट प्लेस 8 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 5 में से 4 सब्सट्रैक्ट 1 रह गया, 1 और 8 = 18 हो गए, 2 × 9 = 18, 2 × 4 = 8। यूनिट प्लेस 4 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 9 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया, 14 हो गए, 2 × 7 = 14। अभी यहाँ पे यूनिट प्लेस 7 है, 7 + 1 = 8, 8 + 4 = 12 हो गए, तो 12 ये 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 × 4 = 12, 14 में से 12 सब्सट्रैक्ट हो गए, 2 रह गए, 2 × 7 = 27, 3 × 9 = 27। अभी 49 है, 7 × 7 = 49 आता है, ये 7 से डिवाइड हो रहा है और 7 प्राइम नंबर भी है, 7 × 7 = 49। ओके, अभी 7 ये 7 से डिवाइड हो जाता है, 7 × 7। तो ये आ गए
588 के फैक्टर, इनको हम राइट कर लेते हैं 588 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, तो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो तीनों जगह 3 कॉमन है, 3 लिखेंगे हम। उसके बाद में यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे भी 7 है, तीनों जगह 7 भी कॉमन है। यहाँ पे 37 है, यहाँ पे 37 नहीं, यहाँ पे भी 37 नहीं। अभी तीनों में कॉमन ऐसा कोई नंबर बचा ही नहीं है, नंबर चेक करने के लिए नंबर बचा ही नहीं, तो यहाँ पे एचसीएफ कैसा आएगा, 1 तो सबका एचसीएफ रहता है, उसको लेंगे। उसके बाद में 3 तीनों में कॉमन है, 3 को लिया। उसके बाद में 7 भी तीनों का कॉमन है, 7 को लिया। अभी हम इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 3 21 21 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 21 आ रहा है, इसका मतलब इन तीनों का एचसीएफ 21 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 777 315 588 is 21. Question 2 है, find the HCF by division method and reduce to the simplest form. दिए गए नंबर का हमें HCF निकालना है, पर division method से निकालना है। ओके, पहले क्वेश्चन में हमने प्राइम फैक्टर मेथड से निकाला था, यहाँ पे हमें डिवीजन मेथड यूज़ करके निकालना है। तो डिवीजन मेथड यूज़ करके जिन दो नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना है उनको हमें ऐसे राइट करना होता है। देखो ये है डिवीजन मेथड। ओके, यहाँ पे बड़ा नंबर, यहाँ पे छोटा नंबर लेना है, इन दोनों में बड़ा 525 है उसको लिखना है, 275 उसको डिवाइजर, और यहाँ पे डिवाइडेंड राइट करना है। ओके, छोटा रहता है वो डिवाइजर लेना है, बड़ा रहता है उसको डिवाइडेंड लेना है। ऐसा लेने के बाद देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन लिखना है हमें। ओके, अभी 275 के टेबल में 525 आता है या नहीं हम चेक करेंगे। 275 को 275 अंदर 275 आता है, 275 टू ज़र कितना आता है हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पे जो नंबर आएगा वो इससे अगर छोटा रहेगा तो वो लेंगे, वो बड़ा रहेगा तो 275 हम यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, अभी देखो 2 5 10 10 का 0 यहाँ पे कैरी 1, 2 7 14 14 प्लस 1 15, 15 का 5 यहाँ पे कैरी 1, 2 2 4 4 प्लस 1 5, 550 आ रहा है, 550 से बड़ा है इसलिए हम 275 1 275 ही लेंगे। इनकी सब्सट्रैक्शन करते हम यहाँ पे। ओके, 5 में से 5 सब्सट्रैक्ट 0, 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ 4 ही रहेंगे, यहाँ पे कैरी 1 आ जाएगा और ये 2 12 हो गए, 12 में से 1 सब्सट्रैक्ट हो गए, 5 रह गए। ओके, 4 में से 2 सब्सट्रैक्ट 2 रह गए तो 250 आ गया। अभी यहाँ पे हमारे फर्स्ट स्टेप ख़त्म हो गए, फर्स्ट स्टेप में ये जो रिमाइंडर आ गया है ना इसको ही हम सेकंड स्टेप में डिवाइजर लेंगे, और यहाँ पे डिवाइडेंड फर्स्ट स्टेप का डिवाइजर यहाँ पे हमें डिवाइडेंड लेना होता है 275। अभी 250 के टेबल में 275 टूजा अगर लेते हैं तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, मैं भी पता है क्योंकि फर्स्ट वाला ही 250 है, इसका डबल मींस वो डायरेक्ट 500 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे हम 250 1 250 ही ले लेते हैं। ओके, इनकी सब्सट्रैक्शन, 5 में से 0 सब्सट्रैक्ट 5 आ गए, 7 में से 5 सब्सट्रैक्ट 2 आ गए, 2 में से 2 सब्सट्रैक्ट 0 25 आ गया। अभी 25 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइजर, और डिवाइडेंड कौन सा लेना है, अबाउ स्टेप का डिवाइजर यहाँ पे डिवाइडेंड लेना होता है तो 250। अभी देखो टू ये 25 है, ये 250 है, इसके ऊपर अगर हम 0 लगा देते हैं मीन्स 250 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई, 25 10 हज़ार कितना आता है 250, तो यहाँ पे हमें 10 हज़ार लेना होगा, करेक्ट, और यहाँ पे 250 10 हज़ार 250 जो आता है उसको हम यहाँ पे लेंगे, 10 हज़ार 250 आता है वो उसको यहाँ पे ले लिया, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट 0 आंसर मिल गया। रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आता तब तक हमें सॉल्व करते रहना है। अभी यहाँ तक रिमाइंडर 0 आ गया, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया उस स्टेप में हमारा जो डिवाइजर जो रहता है ना वही रहता है इन दोनों नंबर का एचसीएफ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 275 525 is
25, करेक्ट। दोनों नंबर को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस भी करना है। अभी इन दोनों नंबर को हम राइट कर लेते हैं और यहाँ पे नीचे 525। अभी इन दो नंबर का एचसीएफ 25 आ गया, हमें पता है, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी इस 25 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 275 मिलेगा। तो देखो 25 टेंस अगर लिया तो कितना आता है, देखो 25 टेंस आर 250 आता है। ओके 25 टेंस आर 250 आता है और ये उससे भी बड़ा है 275। इसमें अगर हमने और 25 ऐड कर लिए तो 275 आ रहा है। इसका मतलब अगर हम 25 इलेवनजा अगर लेते हैं 25 इलेवनजा तब 275 मिल जाता है, क्योंकि टेनजा तक 250 है, उसमें और 25 ऐड कर ले, मीन्स 11 नंबर का 25 अगर ऐड कर लिया तो 275 मिल रहा है। तो 25 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 275 आंसर मिल जाता है। ओके और ये नंबर देखो, ये 525 ये इससे भी बड़ा है। ओके तो इस 25 को हम कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 525 नंबर मिल जाएगा। तो देखो 25 12 हम करके देख लेते हैं। 12 5 60 60 का जोड़ो, यहाँ पे 6 आ गया। 12 2 24 24 प्लस 6 ओके तो यहाँ पे 300 आ रहे, मीन्स यहाँ पे इससे भी बड़ा नंबर लेना होगा। इस 300 के बाद में देखो हम डायरेक्ट 25 को 19 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन का आंसर 475 आ रहा है। 475 525 से छोटा है, इसलिए हमें और इस 19 से भी बड़ा नंबर लेकर मल्टीप्लिकेशन करके देखना होगा कि 525 आ रहा है, नहीं तो डायरेक्ट मैंने 21 ले लिया है। देखो तो देखो 25 21 जर आता है 525, तो इसका मतलब हमें इस 25 को 21 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैंने यहाँ पे 21 ले लिया। 21 लेने के बाद यहाँ पे ऊपर के 25 के साथ नीचे का 25 कट हो गया तो 11/21 आ गया। तो यही आ गया इस दिए गए नंबर का रिड्यूस फॉर्म। ओके तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देयरफॉर एचसीएफ इज 25 एंड रिड्यूस फॉर्म इज 11/21। सेकेंड नंबर एग्जांपल है, इसको भी हमें इसका भी एचसीएफ निकालना है डिवीजन मेथड से और सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस भी करना है। तो देखो 76 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तब हमें 133 नंबर मिल जाता है, या इससे छोटा वाला नंबर मिल जाएगा तो भी चलेगा। 76 1 76 आता है, 76 2 करके देख लेते हैं। 2 6 12 12 कटो, यहाँ पे 11 2 7 14 14 प्लस 1 15, तो यहाँ पे 152 आ रहा है, इससे बड़ा है ये। ओके तो हमें 76 1 76 ही लेना होगा, करेक्ट। इनकी सब्सट्रैक्शन, 3 में से 6 सब्सट्रैक्ट नहीं होते, यहाँ से हम 11 लेंगे 13 हो जाएंगे और यहाँ पे 2 ही रहेंगे, करेक्ट। 13 में से 6 सब्सट्रैक्ट हो गए तो यहाँ पे 7 रह गए। ओके 2 में से 7 सब्सट्रैक्ट नहीं होते, यहाँ से हम 11 लेंगे 12 हो जाएंगे, यहाँ पे 0 ही रहेगा। 12 में से 7 सब्सट्रैक्ट हो गए तो 5 रह गए, 57 आ गए। अभी ये नेक्स्ट स्टेप में डिवाइजर और डिवाइडेंड, यहाँ पे 76 जो है उसको लेना है। अभी 57 और 76 में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। 57 2 अगर लिया तो वो बड़ा नंबर मिल जाएगा। ओके इसलिए हम 57 1 ही लेंगे, 57 1 57। अभी इनकी हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, यहाँ से हम कैरी लेंगे, कैरी लेने के बाद ये 6 16 हो जाएंगे और यहाँ पे 6 ही रहेगा। 16 में से 7 सब्सट्रैक्ट हो गए तो यहाँ पे 9 रहेंगे, 6 में से 5 सब्सट्रैक्ट 1 रहेगा, 19 आ गए। ओके अभी यहाँ पे 19 डिवाइजर और डिवाइडेंड, ये 57 लेना है। अभी 57 19 2 करके देख लेते हैं, 19 2 कितना आता है, 9 2 18 का 8 यहाँ पे 11 2 1 2 2 प्लस 1 3 38 आ रहे हैं। 9 3 57 आ रहे हैं। ओके 19 का टेबल अगर आपको पता है तो यहाँ पे 19 3 57 आते हैं, 57 लेंगे हम यहाँ पे, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। तो हमारा एचसीएफ कितना मिल गया, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आए उस स्टेप में जो डिवाइजर रहता है ना वही हमारा एचसीएफ रहता है। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 19। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 76 कॉमा 133 इज
19। अभी इन नंबर को हमें रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 76 एंड 133 इनका एचसीएफ आ गया है 19, हमें पता है। अभी इस नंबर को हम कौन से इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें ये नंबर मिल जाएंगे वापस, तो वो यहाँ के नंबर हमें निकालने हैं। तो 19 को डिवाइड करके, जब 19 का अगर टेबल आपको पता है तो 19 फोर जार आता है 76 और 19 सेवन जार आता है 133। ओके, तो 4 एंड 7 19 फोर जार 76 आता है, 19 सेवन जार 133 आता है। ये नंबर मिलने के बाद देखो इस 19 के साथ ये 19 कट हो जाता है, तो क्या मिल गया 4/7। तो यही आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं देयरफोर एचसीएफ इज 19 एंड सिंपलेस्ट फॉर्म इज 4/7। थर्ड नंबर एग्जांपल है, इसमें 161 एंड 69 नंबर दिए गए हैं। तो हमें क्या करना होता है, छोटा नंबर यहाँ पे लेना होता है डिवाइजर और बड़ा नंबर डिवाइडेंड यहाँ पे लेना होता है 69। अभी देखो यहाँ पे 69 टू हज़ार करके देख लेते हैं कितना आता है। ओके, 9 टू हज़ार 18 का 8 यहाँ पे कैरी 1, 6 टू हज़ार 12 प्लस 1 13, 138 आता है। तो यहाँ पे हम टू हज़ार ले लेते हैं क्योंकि ये 138 इससे छोटा है। ओके, तो टू हज़ार 138 लिया, थ्री जार अगर लेते हैं तो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए टू जार ही लिया हमने। वन में से 8 सब्सट्रैक्ट नहीं हो तो यहाँ से हम कैरी लेंगे, कैरी लेने के बाद कैरी वाला वन और ये वन 11 हो गए, 11 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गए तो 3 रहेगा। ओके, तो 3 लिखा हमने यहाँ पे, कैरी देने के बाद यहाँ पे 5 रहेगा, 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट 2 रह गए, 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट 0। अब यहाँ पे 23 आ गया है, ये डिवाइजर हो जाएगा इस स्टेप में और डिवाइडेंड 69 लेना है। 23 थ्री जार आता है 69, तो थ्री जार लेंगे यहाँ पे 69 आ जाएगा। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन 0 मीन्स रिमाइंडर 0 आया है, तो हमारे एच सी एफ इन दोनों का क्या मिल गया 23। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफोर एच सी एफ ऑफ 161 69 इज 23। अभी इनको हमें सिंपल फॉर्म में रिड्यूस भी करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे 161 एंड 69। अभी इनका एच सी एफ 23 आ गया, हमें पता है। ओके, तो हम एच सी एफ को लिख लेते हैं और एच सी एफ को कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 161 मिल जाएगा। तो देखो 23 सेवन जार आता है 161 एंड 23 थ्री जार आता है 69। ओके, तो ये नंबर मिलने के बाद इस 23 के साथ इस 23 को कट कर देना है, तो सिंपलेस्ट रिड्यूस फॉर्म क्या आ गया 7/3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफोर एचसीएफ इज 23 एंड सिंपलेस्ट रिड्यूस फॉर्म इज 7/3। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ। इयत्ता 7वीच्या मराठी सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।